नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको असंगठित मजदूरों के कानूनी हक के बारे में बताएंगे। देश में कामगारों का बड़ा हिस्सा असंगठित श्रमिकों का है। ये वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य से महरूम है। 2005 में भारत सरकार ने देश के 94% असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार के शोषण मुक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। शोषण आज भी हो रहा है, भ्रष्टाचार और शोषण करने वाले जानते हैं कि मजदूरों की आवाज संगठित नहीं है, इसलिए शोषण करने वाले मनमानी करते हैं। असंगठित मजदूरों को अपने कानूनी हक के लिए जागरूक करने की जरूरत है, साथ में कानून को और मजबूत भी करना होगा, सामाजिक कल्याण की स्कीमों को बेहतर लागू करना होगा। आज हम आपको असंगठित मजदूरों के कानूनी हक के बारे में बताएंगे। हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता और एओआर डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग जी। अगर आपका असंगठित मजदूरों से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो असंगठित मजदूर शोषण की शिकायत कहां पर आपको करनी है, इसको लेकर अगर कोई भी सवाल है तो आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ स्वाति जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं मजदूरों की, उनके साथ हो रहे शोषण की। तो ऐसे में स्वाति जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आखिरकार होता क्या है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जैसा कि नाम से हमें पता लगता है कि ऑर्गेनाइज नहीं है वो हमारा जो जीडीपी देश का कैलकुलेट होता है उसमें उसकी भागीदारी नहीं दिखाई जाती, वो एक सेपरेट सेक्टर है। इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा जो वो लोग हैं जो अपना जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी जनरेट करते हैं, छोटी रेड़ी पे कोई गोलगप्पे बेचने वाला है, कोई दर्जी है, कोई नाई है, या अगर थोड़े बड़े पैमाने पे देखे तो कुछ लोगों ने पापड़ बनाने का कारखाना छोटा खोल रखा है। मेन पॉइंट में ये है कि 10 लोगों से कम लोग काम कर रहे हो उसमें, और इंडिया की खास बात यह है कि इसका जो 80% जो एम्प्लॉयड सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज थी। इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए ये है कि हो सकता है कि जो 2008 में जो मंदी का दौर आया था, पूरी दुनिया उस दौर से जूझ रही थी, बट इंडिया पे उसका इतना खास फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जी। और इस सेक्टर का क्योंकि जीडीपी पे कोई कैलकुलेशन पे असर नहीं पड़ता, ये छोटा सेक्टर है, अपना काम स्वयं जनरेट करता है और उससे जो पैसा कमाता है उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में डॉक्टर स्वाति, अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर की जो परिभाषा है, अगर हम उसे परिभाषा कानूनी तौर पर समझे तो कानून उसे कैसे परिभाषित करता है? जहां तक ऑर्गेनाइज्ड की बात है तो ये वो लोग होते हैं जो घर पर अपनी मर्जी से ही, जैसे मैंने बताया, चुना गया कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेते हैं। इसमें ये बात हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि ये लोग खुद उसको मतलब कैश में उसके पेमेंट ले रहे हैं अपनी सैलरी का, या काइंड में पेमेंट ले रहे हैं, हो सकता है इनको कैश की जगह कुछ सामान दिया जाता हो अपने काम के बदले में, या इनको सीधा मालिक ने एम्प्लॉय किया है या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये एम्प्लॉय हुए हैं। हम ये सब चीजें नहीं देखते जो अनऑर्गेनाइज वेज वर्कर है जी। तो वो घर से काम कर रहे हैं, हो सकता है कैजुअल वर्कर है, हो सकता है माइग्रेंट वर्कर है जिनका जो काम है वो मौसम के बदलता रहता हो, कोई घरेलू काम कर रहे हैं। हमारे घर पे जो काम वाली बाइयां आती हैं इसी सेक्टर में आएंगी, सरकार के द्वारा कोई मंथली फिक्स्ड वेज है उस पे वो काम कर रहे हैं, ये जो भी लोग हैं सभी अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर की परिभाषा में आते हैं। ठीक, बिल्कुल। अब ऐसे में अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्करों को बात कर रहे हैं तो उनको काम के वेज में सही पैसे अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, क्या सबसे पहला कदम उनको उठाना चाहिए? बहुत सारे तरीके हैं अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर के पास। हमारे पास भारत में एक मिनिमम वेज एक्ट है जो ये परिभाषित करता है स्टेट वाइज कि हर स्टेट में सबसे कम वेज क्या होनी चाहिए। अगर किसी अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर को वो वेज भी नहीं मिल रही है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है,
वो या तो लेबर कोर्ट जा सकता है, या वो लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेंट कर सकता है, या वो सिर्फ कोर्ट में जाके मिनिमम वेज एक्ट के अंतर्गत कोई एक एप्लीकेशन डाल सकता है। यहाँ तक कि आपको सब कुछ पूजा जी आप देखती हैं कि ऑनलाइन हो गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट है, वहां पर जाकर भी वो कंप्लेंट कर सकता है इस बात के खिलाफ, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी निर्देश है। गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है कि एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो कम से कम पर डे, डे का मतलब 8+1 आवर्स, मतलब जी 8 घंटे जी का काम जिसके अंदर 1 घंटे का आराम शामिल है, तो उस 9 घंटे के लिए उसको कम से कम इतना वेज होना चाहिए, जो कि अगर हम अलग अलग स्टेट को देखें तो उसके मुताबिक 300 और 500 के बीच डिफर करता है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो 3-4 ऑप्शन होता है लेबर को, लेबर कमिश्नर, सिविल कोर्ट, या फिर मिनिस्ट्री वेबसाइट, वहां पर वो अपनी दलील प्रस्तुत कर सकता है। बिल्कुल। अब स्वाति जी, असंगठित मजदूर शोषण की जो शिकायत है, वो अभी आपने बताया कि कहाँ करें, और इसको लेकर पर्टिकुलर किसी कोई जगह है जहां पर वो शिकायत कर सकते हैं शोषण की? जैसा मैंने आपको बताया, लेबर कमिश्नर को भी अप्रोच कर सकते हैं वो, लेबर कोर्ट्स जगह जगह पर हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में लेबर कोर्ट्स हैं, वहां आपको अप्रोच करने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप किसी वकील के थ्रू जाएं, आप प्राइवेट लेवल पर भी अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। अगर आपको वेज नहीं मिल रही, या फिर जो भी सिविल कोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, वहां जाकर आप मिनिमम वेज एक्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं आप कर पा रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं कि सो एंड सो एम्प्लॉयर ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको एम्प्लॉय कर रहा है और आपको इतनी तनख्वाह कम से कम नहीं दे रहा है, जो कि सरकार ने निर्देशित कर रखा है कि कम से कम 8+1 आवर, 9 घंटों का इतना वेतन देना चाहिए। अब नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, और इस बोर्ड को बनाने के पीछे जो मकसद है, क्यों इसका गठन हुआ, इसका मकसद क्या है मैम? नेशनल सिक्योरिटी है, इसका जो गठन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया, कम से कम 80% लोग भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत हैं। अब इनकी सुरक्षा हम कैसे करें, अगर इनको कोई प्रॉब्लम है या अगर इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, उनकी स्कीम कैसे बनाई जाए, अगर वो स्कीम कार्यान्वित हो रही है या नहीं हो रही, इसको कौन देखेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो एक सेंट्रल लेवल पे नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, इस बोर्ड में एक तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है वो होंगे एक्स ऑफिशियो, उस समय जो भी मिनिस्टर होगा फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एक मेंबर होंगे, वो चेयरपर्सन होंगे, डायरेक्टर जनरल लेबर होंगे। इसके अलावा तकरीबन 34-38 लोग और होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से आते हैं, एमिनेंट पर्सनालिटीज जिन्हें हम कहेंगे। इसमें 8 से 10 लोग लेबर को रिप्रेजेंट करेंगे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर हैं, 8 से 10 लोग उस सेक्टर के एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम देता है लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सरकार की तरफ से अपने साथ रिप्रेजेंटेटिव्स और होते हैं, कहने का मतलब क्या है कि सारा ग्रुप वो होते हैं, ये देखेंगे जो सोशल सिक्योरिटी की पॉलिसीज हम बना रहे हैं या जो स्कीमें हम बना रहे हैं लोगों के बेनिफिट के लिए, क्या वो ठीक तरीके से बन रही हैं, उनमें फंड्स मुहैया हो रहे हैं, एक बार अगर कोई वहां पर मिल गया है तो क्या आगे उस फंड का उपयोग ठीक तरीके से किया जा रहा है, जी और सही लोगों तक वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम पहुंच भी पा रही है या नहीं। भूमिका की अगर हम बात करें डॉक्टर स्वाति, तो सोशल इंश्योरेंस बोर्ड की जो भूमिका होती है वो क्या रहती है? हमने मकसद तो उसका जाने, लेकिन इसकी अहम भूमिका कितनी रहती है? इसकी भूमिका बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये बोर्ड, सोशल इंश्योरेंस बोर्ड जो है, वो ये बताता है कि अलग अलग तरीके के जो नागरिक हैं देश में, अलग अलग सेक्टर्स को जो बिलोंग करते हैं, उनका जो वेलफेयर होगा, उसके लिए जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बनेंगी, जी उनका लाभ अलग अलग संस्थान उनको कैसे पहुंचाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं मैक्सिमम तरीके से। अब हम अगर स्टेट सरकारों की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, तो अनऑर्गेनाइज वेज वर्कर के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो क्या रहती है, और केंद्र सरकार क्या कुछ उनके लिए कर सकती है? देखिए, समय के साथ मैंने आपको बताया हमने नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बना लिया,
लेकिन ये सेंट्रल लेवल पे है। अब सेंट्रल लेवल पे कोई अगर बोर्ड बना है तो उसको ग्रास रूट लेवल तक अगर हम उसके बेनिफिट्स पहुंचाना चाहते हैं तो जरूरी है हमारे के लिए हम स्टेट लेवल पर भी ऐसे ही एक कोऑर्डिनेट बोर्ड को बनाएं। अब स्टेट लेवल पे स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स बने हुए हैं, इस बोर्ड में भी हमारे जो कमिश्नर है लेबर कमिश्नर वो होंगे, और वो जो मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जो स्टेट लेवल मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो होगा एक्स ऑफिशियो। इसके साथ साथ तकरीबन 24-25 मेंबर्स और होते हैं जो सरकार को ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो ये देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे जो फंड स्टेट लेवल पे मुहैया कराए गए हैं उनको सही तरीके से बाइफरकेट किया जा रहा है या आगे वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड ही बनाता है। सबसे बड़ा काम जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है वो ये है कि ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्रोवाइड करती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। तो कल को अगर आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप उसी सेक्टर को बिलोंग करते हैं? इसके लिए आपका एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनता है जिसमें एक नंबर आपको दिया जाता है जो आपकी आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। कल को अगर कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम आती है उस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए आपके पास वो कार्ड होना बेहद जरूरी है। उस कार्ड के जरिए ही आप इन सारी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। जी, अब ऐसे में डॉक्टर स्वाति, सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए जो कर्मी हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके बेनिफिट्स उनको मिलें, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले जिस आइडेंटिफिकेशन कार्ड की मैंने बात करी है, अगर हम किसी भी स्कीम की सुविधा को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सरकार को ये दिखाना होगा कि क्या हम सुविधा के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर का एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो। ये कार्ड हमको किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल जाएगा। उसके लिए हम 2 से 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जी जो हमको पूरे करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि हमारी उम्र एज एन अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर कम से कम 14 वर्ष की हो। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि हमको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरके इस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ये कह के कि भाई मैं सो एंड सो, मेरी उम्र 14 साल से ज्यादा है और मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर हूँ। तीसरी चीज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हमको पूरी करनी पड़ेगी वो ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ फंड्स हमको सेंटर प्रोवाइड करता है, कुछ फंड्स हमको स्टेट प्रोवाइड करता है, जी कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऐसी भी होती हैं जो सरकार कहती है भाई हमें इतना पैसा नहीं है, अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट उठाना है तो कुछ कंट्रीब्यूशन आप भी करिए अपनी तरफ से। तो अगर हम जिस सोशल सिक्योरिटी का स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, जी अगर वो स्कीम ऐसी है जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी होना जरूरी है तो हमको फिर फी भी पे करनी है। बिल्कुल अगर ये 3 चीजें हमने करी है, फॉर एग्जाम्पल ए हमारी उम्र 14 साल से ऊपर है, बी हमने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है जिसमें हम कह रहे हैं कि हम अनऑर्गेनाइज वेज वर्कर हैं, और तीसरा हमने वो फी या जो नॉर्म जितने भी पैसे हमें भरने थे उस सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भागीदार होने के लिए अगर हमने वो भरी है, ये तीनों चीजें पूरी कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाता है और हम एलिजिबल हो जाते हैं उस उनका बेनिफिट हमें मिले और हम उसके बेनिफिशियरी। जो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो ठेकेदार है, अक्सर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि ठेकेदार कर्मी का शोषण करता है, चाहे किसी भी लिहाज से हो, तो कहाँ पर शिकायत की जा सकती है? जी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, हमें ये जाहिर तौर से पता होता है कि इसके 90% के करीब जो वर्कर्स हैं वो इतने वेल वर्स्ड नहीं होते प्रोसीजर से, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, ना ही उनके पास इतने संसाधन होते हैं कि वो बड़ी बड़ी जगह जाकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाए या बड़े वकील इनके एंगेज कर पाए। ऐसे में जो प्रोसीजर बनाया गया है ताकि उनको उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान मिल सके वो बहुत ही सिंपल है। 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो उसके लिए उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है। या तो वो अपने एरिया के लेबर कोर्ट में चले जाए या लेबर कमिश्नर के पास अपनी एप्लीकेशन डाल दें, कंप्लेन डाल दें, या वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर,
वहां पर जाकर अपनी कंप्लेंट डाल दें। अगर ये सब भी नहीं है तो वो सिविल प्रोसेस में भी कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और मिनिमम वेज एक्ट के अंडर डिमांड कर सकते हैं कि ये इतनी वेज हमें सरकार ने प्रॉमिस की है कि कम से कम इतनी मिलेगी, तो इतनी हमें मिलनी चाहिए, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी फिर। जी, अब अनऑर्गेनाइज्ड वेज वर्कर की जब हम बात करें तो क्या ये यूनियन भी बना सकते हैं अपनी, क्या इनको ये अधिकार भी होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, डायरेक्टली ये कहीं मेंशन नहीं है, बट अगर हम ट्रेड यूनियन एक्ट देखते हैं तो उस ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत ये दिया गया है कि अगर कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई वेज वर्कर है तो कम से कम 3 रुपए सालाना का सब्सक्रिप्शन देकर वो कोई ट्रेड यूनियन बना सकता है। ट्रेड यूनियन एक्ट में ये सारे नॉर्म्स दिए गए हैं कि ये ट्रेड यूनियन में इसमें क्या क्या होना चाहिए। कम से कम 50% जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं वो उसी सेक्टर के होने चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ये ट्रेड यूनियन खरीद सकती है तो कोई ऐसा कानूनी पॉइंट नहीं है जिसके अंतर्गत हम ये कहे कि कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का व्यक्ति ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं हो सकता। अब अनऑर्गेनाइज वेज वर्कर से संबंधित जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है वो क्या हैं और कर्मी इसका फायदा कैसे उठा सकता है, ये स्कीम्स उसको मिले, उसको इसका फायदा हो, लाभ मिले, कैसे हो? देखिए, अनऑर्गेनाइज सोशल स्कीम्स जो है ये बहुत सारी राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने काफी सारी स्कीम्स ऐसी निकाल रखी है। जैसे मैंने आपको कहा, इन स्कीमों को फंड किया जाता है या तो केंद्र के द्वारा, हो सकता है 100% केंद्र ही इनको फंड कर रहा हो, या हो सकता है एक कोलैबोरेशन हो केंद्र के और राज्य सरकार के बीच में जिसमें कुछ हिस्सा केंद्र देगा कुछ राज्य देगा। और फिर तीसरा ऑप्शन जैसे मैंने आपसे कहा ये भी होता है कि केंद्र और राज्य के अलावा जो इस स्कीम का बेनिफिशरी है यानी कि वर्कर खुद कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। अब इसमें जैसे अगर हम नाम ले इन स्कीमों का तो जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, कोई भी स्कीम होती है वो हम किस लिए लेते हैं, मेटर्निटी बेनिफिट्स के लिए या ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए, कुछ पेंशन टाइप की चीज हो जाए हमारी, हमारा बुढ़ापा सेफ हो जाए, या नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है जैसे जो हमारी फैमिली के काम आए हमारे पीछे, जनानी सुरक्षा योजना, हैंडलूम वीवर्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम, पेंशन टू मास्टर क्राफ्ट रिस्पॉन्स स्कीम, देन नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन एंड ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन। और अगर हम बड़ी बड़ी स्कीमें देखें जो जिसका काफी हद तक काफी एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है तो आम आदमी बीमा योजना, ये बहुत ही एक फेमस स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही रिलेटेड है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि अगेन लाइक द नेम सजेस्ट इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ इंश्योरेंस। तो काफी सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनका फायदा जो बेनिफिशरी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो वर्कर है वो अपनी तरफ से जो उसको भुगतान करना है फी स्ट्रक्चर वो देखकर उसका भुगतान करके, जिसके लिए उसको सबसे पहले अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाना पड़ेगा, ये सभी चीजें अगर वो फॉर्मेलिटीज पूरी करे तो उसको जाहिर तौर पर इन सारी स्कीमों का फायदा मिलेगा। बिल्कुल, असंगठित मजदूरों की बात जब हम कर रहे हैं डॉक्टर स्वाति, तो क्या इनमें महिलाओं के भी सेम अधिकार हैं, उसी तरह से समान अधिकार है? क्योंकि हम देखते हैं इसमें बहुत हिस्सेदारी महिलाओं की भी रहती है, चाहे घरों में कामकाज से लेकर तमाम ऐसे काम हैं जो कि महिलाएं करती हैं, तो क्या उन सबके लिए भी यही अधिकार है या इसके अंतर्गत भी उनके पास कोई कानूनी अधिकार है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया पूजा जी। आजकल तो महिलाओं की भागीदारी आगे से आगे हो रही है, अब देख रहे हैं पिछले 5 साल में जो परसेंटेज ऑफ वर्किंग वुमेन है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसी के अंतर्गत सरकार ने काफी सारे कानून और काफी सारे नियम ऐसे बनाए हैं जिससे महिला की सुरक्षा को देखते हुए और महिला की राइट्स को देखते हुए वो सारी चीजें सेफ रहे। तो हम जब हम अपने मौलिक अधिकारों का बात करते हैं तो उसमें ये होता है इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। तो अगर मैं एज अ महिला उतना ही काम कर रही हूँ जितना मेरा साथी पुरुष कर रहा है तो मेरी वेज में और उस पुरुष की वेज में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो मेरे पास ये पूरा अधिकार है कि मैं कोर्ट को अप्रोच करूँ और याचिका दायर करूँ अपने इक्वल राइट्स के लिए, और जो कि जाहिर तौर पर कोर्ट सुनता है। ये आजकल फीमेल रिप्रेजेंटेशन या महिलाओं के अधिकार का तो आप कहते हैं सब लोग बहुत ही ज्यादा अवेयर है इस चीज के लिए, और ये सारी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो राइट्स हैं जो पुरुषों को मिली हुई है वो जाहिर तौर पे महिलाओं के लिए भी है।
बिल्कुल सबके लिए समान है और ये बड़ा आपने महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। और अगर महिलाओं के साथ किसी तरह की प्रताड़ना होती है तो फिर वो भी क्या इसी तरह की वेलफेयर से जुड़ी जो भी आपने बताई है जानकारी वहीं पर संपर्क कर सकती है या उनके लिए और भी कोई कानूनी अधिकार देखिए है? पूजा जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। महिलाओं के लिए कई तरह से मैं ये मानूंगी कि सरकार काफी कोशिश कर रही है, तो इन सभी जगहों के अलावा महिलाओं के पास बहुत सारे ऑप्शन जैसे ओपन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक महिला का केवल इसीलिए शोषण हो रहा है कि वो महिला है, उसका किसी तरह का यौन शोषण हो रहा है, मान लीजिए हमारे घर पर एक बर्तन धोने वाली या कपड़े धोने वाली, सफाई करने वाली महिला आ रही है, अगर उसको किसी तरह का यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो फिर एक लोकल कंप्लेंट कमेटी है जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गठित होती है अंडर द पॉश एक्ट, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो एक महिला वहां पर भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके अलावा वो सीधा पुलिस के पास भी जा सकती है सेक्शन 354 आईपीसी के अंतर्गत, उसकी शिकायत पे इमीडिएट एक्शन दिया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, आज आपने तमाम जानकारी असंगठित क्षेत्र से जुड़े जो मजदूर हैं हमारे यूनियन हैं उनके बारे में दी, बहुत शुक्रिया आपका कानूनी अधिकार और कानूनी जागरूकता उन तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।